वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थोड़ी साथी के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल आए हुए अपने सभी भक्तों और खास करकर अपने बाल भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। सभी सोच रहे होंगे कि हम आपको जंगल बुक क्यों दिखा रहे हैं, पर हम आपको जंगल बुक नहीं दिखा रहे, बल्कि जंगल बुक में दिखाई गई एक सुंदर सी कहानी का संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। जानवर अगर इंसान के बच्चे की हिंदी वजह से देखभाल कर सकता है, तो हम इंसानों के अपने बच्चों की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते। बचपन वो नींव है जिस पर व्यक्तित्व होती, इंसान के चरित्र की इमारत खड़ी होती। पर हमारे देश में आज कितने ही गरीब घरों का, पिछड़े वर्गों का, अनपढ़ लोगों का फायदा उठाकर उनके बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर मजबूर किया जाता है, जो कि गैर कानूनी भी है और अमान्य भी है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में कारखानों के औजार थमा दिए जाते हैं। जिनकी आंखों में सुंदर सपने होने चाहिए, वहां फैक्ट्रियों का धुआं, वहां का अंधेरा भर दिया जाता है। किसी से उसका बचपन जीवन उतना ही बड़ा होता है जितना कि जान है। जहाँ बचपन सुरक्षित नहीं, उस समाज, उस देश की तरह किसी भी तरह से नहीं होती। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें हम अपना योगदान दें, ना हम अन्याय करें और ना ही किसी और को दें। हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लिख के शिक्षित हो, अपने अधिकार जान सके। शिक्षा ही समाज को अन्याय से लड़ने की समझ और हिम्मत दे सकती है। तो आओ आज हम मिलकर गणेश जी के सामने वचन देते हैं कि हम किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे।